Wait. सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगी। गुड मॉर्निंग। मस्ती के लिए आए तो कुछ उसके बारे में जानना चाहूँगी। सो यू वांट टू स्टार्ट अदरवाइज यू दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू स्टार्ट। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सुबह सुबह मलाड मस्ती में आए हैं। हम लोग बहुत टाइम से देख भी रहे हैं मलाड मस्ती पे, बहुत टाइम से जो है। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी नींद ख़राब करके हमसे मिलने और हमें देखने आए हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है हमको। लगता है नहीं, बिकॉज हम लोग ऐसे मॉर्निंग इवेंट में ज़्यादा आते नहीं है, बहुत कम आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे लिए कोई भी लाइक अपनी नींद सैक्रिफाइस करके आता है, और लाइक बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम लोग दोनों ऐसे उठे एक साथ, एक साथ लिटरली हम एक साथ उठे बेड से, एक साथ ऐसे उठे। हाँ, फिर दोनों वॉशरूम ऑक्यूपाइड, हम लोग चले गए रूम में। हम लोग की आदत है उठेंगे, मम्मा वैसा रेडी करके रखा था, हीटर वाज ऑन, एवरीथिंग इज डन राइट, बट फिर भी हम ने लेट कर दिया। हम लोग की आदत होती है, हम लोग उठेंगे जाएंगे रूम में फिर लेट जाते हैं। नींद बहुत आ जाना चाहूंगी कि डेली कितने बजे उठते हैं आप, संडे कितने बजे उठते हैं, और आज संडे भी है। तो हम आपको बता दें, जब काम होता है तो हम टाइम पे उठ जाते हैं, या टाइम से पहले उठ जाते हैं, या आधी रात में भी उठ जाते हैं। यू नो, कभी कहीं जाना होता है एयरपोर्ट के लिए, या कॉल टाइम जल्दी का होता है, टाइम नहीं होता है तो देन इट डिपेंड्स। लेट सोए तो फिर लेट उठते हैं, पार्टी किया तो फिर तो 11 बजे 12 बजे, डिपेंड्स। बट अगर हम लोग बहुत लेट राइजर्स नहीं है, आप ही बोलो। नहीं नहीं, आप बोलिए। हम लोग लेट राइजर्स नहीं है, जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी उठ जाता है। लेकिन अगर कभी जैसे रात को थक जाते हैं, लेट होता है, तो जैसे कभी 2 बजे या 3 बजे कुछ ऐसे सोते हैं, तो फिर मैं तो अपना बता रहा हूँ पर्सनल कि मैं पर्सनल तो मैं 12 बजे 11 बजे 11:30। ओके, जानना चाहूँगी कि आज मलाड मस्त में क्या कुछ परफॉर्मेंस होने वाली है। परफॉर्मेंस हमारी नहीं है, हम परफॉर्मेंस देखने आए हैं, और होगी भी तो अयान कर देगा। अयान तो बहुत हर बार मुझे फंसा करता है, और अयान तो बहुत अच्छे स्टार हर बार मुझे फंसाती है। मैं फंसाती नहीं हूँ, मैं ऐसे फंसाती हूँ तुमको टैलेंट शोकेस करने का। क्या है ये? So, कितने एक्साइटेड है ऑडियंस और फैंस से मिलने के लिए? बहुत एक्साइटेड है, एवरीबॉडी सो फ्रेश और यू नो फुल ऑफ एनर्जी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। ये लेट्स सी मॉर्निंग फेसेस सारे फैंस के एंड दे विल सी आवर्स। यहां पे और माल न्यूट्रिशन के लिए भी फाइट किया जा रहा है, सो तो मुझे हमेशा से पता था कि मलाड मस्ती होता रहा है, लेकिन ये एक सोशल कॉज के लिए हो रहा है ये मुझे कभी पता नहीं चला। इनफैक्ट ये मुझे इसी बार पता लगा, एंड आई वाज सो हैप्पी। मुझे लगता था कि यू नो ऐसे ही ये करते हैं साल में एक बार, ताकि यू नो पीपल कम हियर एंड हैव फन। बट जब मुझे पता लगा एक सोशल कॉज जुड़ी हुई इससे, तो आई वॉज रियली हैप्पी, एंड आई वॉज इवन मोर हैप्पी व्हेन आई गॉट टू नो कि इसके वजह से, ये होने के बाद भी इतने लोग यू नो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। बिकॉज ऐसे सोशल इवेंट में कम लोग आते हैं, यू डोंट एक्सपेक्ट के यू नो इतना अच्छे से वो होगा, और ये कहीं से फील नहीं देता है ऐसे सोशल कॉज वाले इवेंट के। एंड आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप कि ऐसे ही हर साल लोग बढ़ते रहें और ये इवेंट को अटेंड करते रहें। ओके, आप दोनों टिकटॉक पे तो साथ में नजर आते ही है, एल्बम सॉन्ग भी आपके आते रहते हैं। जानना चाहूँगी कि टीवी सीरियल्स में भी आप लोग दोनों साथ में देखने वाले या फिर कुछ आने वाला है? सो वी आर नॉट फॉर टीवी, वी आर नॉट डूइंग टीवी। अयान का तो नहीं आया इससे, मैं आई एम नॉट डूइंग टीवी, सो हर जगह तो आप साथ में देखते हैं। हाँ, दैट इज़ व्हाट आई सेड, मूवीज आई विल मेक अनाउंसमेंट्स वेरी वेरी सून। पॉसिबल है तो कुछ ब्रीफ में अगर बता सकें? नहीं बता सकती मैं ब्रीफ में, आई एम सो सॉरी। और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आप दोनों के? यू वांट टू से एनीथिंग, अदरवाइज ये बोलेगा आप सब बोल देती हैं, फिर मैं क्या बोलूँ? ठीक है, ये वाला आप बोल दीजिए। ओके, तो अयान के बहुत अच्छे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि भी हम अनाउंस नहीं कर सकते, और ब्रीफ में अयान बहुत जल्दी अनाउंस करेगा। वो जा रहा है शूट करने, इसी मंथ जा रहा है अयान बाहर। अभी 7 पे जा रहा हूं मैं शूट के लिए, हां, चंडीगढ़।
और मेरे जो भी सॉन्ग्स आएंगे वो तो मैं अपडेट देती रहूँगी, वो तो आपको मिलते रहते हैं अपडेट्स. बाकी जो और अनाउंसमेंट्स हैं वो हम बाद में करेंगे. नहीं एक्चुअली हम जैसे ही आए हम यहाँ पे आ गए, हमने हम लोग 5 मिनट पहले आए और अभी ये सब. क्योंकि जब ऑडियंस से इतना प्यार मिलता है तो कितनी खुशी होती है. बहुत ज़्यादा मतलब इट्स लाइक यू नो वी कांट इवन डिस्क्राइब के कैसा फील होता है, बिकॉज वो फीलिंग आपको समझ भी नहीं आती है, इतना अच्छा ओवरवेलमिंग लगता है. सो यार बहुत ज़्यादा प्यार. एंड लास्टली आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे? क्या बताना चाहेंगे, हम उन्हें थैंक्स करना चाहेंगे क्योंकि वो हम लोगों को, हम दोनों को साथ में इतना प्यार देते हैं. और थैंक यू फॉर दैट. और आई लाइक टू से दैट यू नो प्लीज़ कम विजिट हियर एंड कम टू दिस इवेंट, बिकॉज ये एक सोशल कॉज जुड़ी है इससे. इट्स नॉट जस्ट लाइक अ रैंडम इवेंट जो कि सिर्फ मज़े के लिए या फ़न के लिए होता है. तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग आएँ और यहाँ पर आप बोर भी नहीं होंगे, आपको बहुत मज़ा भी आएगा. सो डू कम. मैं सब बोल देती हैं सेम क्या सेम बोल सेम देना सेम एज एज अप्पी सेड सेम. थैंक यू. जिन्हें आप टिकटॉक पे फॉलो नहीं करते ऐसा हो ही नहीं सकता. यार मैं उसका नंबर वन फैन हूँ. यहाँ पे कौन है उसका फैन? ऑलमोस्ट 12 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड आई कैन नॉट इवन काउंट हाउ मेनी ऑन टिकटॉक. इतनी तो हमें गिनती भी नहीं सिखाई. टेलीविजन स्टार, यूट्यूब स्टार, डिजिटल स्टार, सबकी फेवरेट मलाड की स्टार चन्नत. Okay.
सो देयर इज अ स्मॉल रिक्वेस्ट जो मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे लोगों से आई है जन्नत कि आप एक छोटा सा वीडियो बनाएं विद ऑल दीज पीपल इन द बैकग्राउंड. सो इफ यू कैन लाइक नेकी एंड पूछ पूछ हो रहा है यहाँ पे. सो आप लोगों को चिल्लाना पड़ेगा लेकिन मैं और जन्नत एक साथ बनाते हैं. चलिए ठीक है, अगर आप लोग नहीं बोलते मैं तो भी बनाती. तो ठीक है, हम वीडियो बनाते हैं. जैसे ही मैं कैमरा पैन करूंगी आप सब चिल्लाएंगे. ओके ओके गाइस, हेलो. If you can please come on the stage and Jannat ka swagat kare and lots of thanks to you. Thank you so very much. गणेश नायर, आप जहां भी हो प्लीज कम टू द बैक स्टेज. गणेश, यू आर नीडेड. बहुत मस्ती करना है यार, हम तो मस्ती करने के लिए पैदा हुए हैं यार. मस्ती हमारे खून में है और मलाड मस्ती एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए हो रहा है. सबसे पहले तो मैं बताऊँ, माल न्यूट्रिशन के लिए हो रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है. आओ ये रुको यार भैया. तो यार सबसे मज़ेदार बात यह है, बच्चों के लिए बहुत कुछ होता है. कहीं पर किक बॉक्सिंग है,
कहीं पर स्केटिंग हो रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो यार ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से असलम भाई ये देखते हैं, ये संभाल के चलते हैं बच्चों के लिए, यूथ के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह से आप इंटरेक्ट करने वाले हैं स्टेज पे? इस तरह से इंटरेक्ट करने वाले हैं, ऐसे तो हो नहीं जाएंगे, नॉर्मल जैसे है इंटरेक्ट करेंगे, मजे लेंगे, इंजॉय करेंगे, बच्चों से बातें करेंगे। बहुत हो रही हैं यार, आप देख ही रहे हैं हर जगह ट्रेंड हो रही है, वीडियोस चुटकुले बहुत फेमस हो रहे हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है डांस प्लस में। आप देख मजे तो आ रहे हैं, नंबर वन शो बना दिया आप लोगों ने उसे, रियलिटी शोज में सबसे नंबर वन शो है वो। सो यस, थैंक यू वेरी मच जी। तो आप फॉलो कर रहे हो? यार मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन उसमें मेरा दोस्त गए हुए एक सिद्धार्थ हैं, और एक मुझे वो बहुत ऑनेस्ट लगते हैं भाऊ, बहुत दिल के साफ लगते हैं। मैंने बोला ना, दो को ही जानता हूँ सिर्फ। अरे यार हाँ वो भी यार, अरे तुम्हें क्या कर रही है, भाई बाय। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि मलाड मस्ती में कितनी मस्तियाँ किया आपने स्टेज पे। गुड मॉर्निंग, यस एक्चुअली नाउ इट्स अ डिसेंट टाइम, अभी 9:30 हो गया है, सो इट्स डिसेंट। लेकिन मलाड मस्ती में ऑलवेज मस्ती ही होता है, बिकॉज आई थिंक जो ऑडियंस आती है, they all prepared to have fun, they want to see what is there on stage, so hamara kaam utna hi easy ho jata hai as a performer, so it was good. Yeah, I think jahan bhi crowd dikhe hame performance karne ka mauka mile, crowd se interact karne ka mauka mile, so it's very good, it's thriving, we thrive on all this, hame maza aata hai, so I just feel it's nice. So kitne excited hai masti mein aane ke liye? Excited to hum hamesha, matlab chai peene ke liye bhi excited hote hain. I think excitement is there throughout for us, so I just feel you are the most excited couple on the planet. मलाड मस्ती हमेशा सोशल कॉज के लिए भी जाना जा रहा है, इस बार माल न्यूट्रिशन के लिए yes. उस पर आपका क्या टेक है? I think it's always जहाँ पे भी कोई कॉज होता है और आप इतना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो सोसाइटी के लिए, तो आई थिंक दिस इज आर वे टू गिव बैक टू द सोसाइटी, एंड इट्स वेरी नाइस। कोई भी इनिशिएटिव हो, कैंसर हो, चाइल्ड एजुकेशन हो, सेक्स एजुकेशन हो, पार्ट इज आई थिंक ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि मैल न्यूट्रिशन सिर्फ हमारे देश में और अफ्रीका, यही दो देशों में है। अगर आप एक आम इंसान जो अमेरिका में रहता है उसे कहोगे कि मैल न्यूट्रिशन से आधे से ज़्यादा लोग हमारे स्लम्स में मरते हैं, तो दे विल बी शॉक्ड। मैल न्यूट्रिशन क्या है उन्हें पता ही नहीं। डू यू नो कि आधा से ज़्यादा, मतलब almost 90% of people don't have enough of food to eat or even water to drink, क्योंकि जहाँ पर वो लोग शौच करते हैं वही पानी थोड़े से देर के बाद वो लोग पीते हैं। ये शॉकिंग न्यूज़ मुझे पता चला जब बिल गेट्स इस देश के लिए कुछ करना चाहता है। सो वेन आई हर्ड मैल न्यूट्रिशन आई सेड आई एम रियली गोना बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज आई थिंक अब हमें हमारे देश की जो यू नो समस्याएँ हैं हमें कुछ करना चाहिए, सीरियसली स्पीकिंग हमें कुछ करना चाहिए। क्या करनी चाहिए? यस यस ऑफकोर्स वट एवर सोशल कॉज, लेकिन इट शुड बी जेन्युइन। अरे उससे बोलने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें बोलनी है, लेकिन आई थिंक मेरे पोस्ट, मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे मैंने ऑलरेडी यू नो पहल कर दी है। I've already reached out to politicians about the same, and if need be I might just go and stand there, kyunki jitna bhi hum log kar sakte hain, you know, agar koi dusra cause hota hai to bahut sare Bollywood celebrities unke liye wo cheez ke liye baat karte hain, I don't know why they have pushed back, I think Salman has said something about it, and little wherever people can they need to push this case. Just shoot at site, rape kiya hai maro,
नहीं, मेरी कॉज में सिर्फ इतना लिखा है कि अगर ऐसा कुछ होता है आफ्टर द रेप, इट्स बेसिकली 48 आवर्स एंड पनिशिंग. कपड़े यू नो, आप पकड़े जाओ, उसके 48 आवर्स में सजा दे दो, दैट्स इट. क्योंकि एक माँ बाप को सुकून मिलता है, दैट्स ऑल. पसीना जो धूप में आता है स्टेज पे जाने के बाद, आई थिंक इट्स गिव्स यू अ डिफरेंट हाई, इट गिव्स यू, यू नो, बेसिकली जहाँ भी हम लोग इवेंट करते हैं ना, एक इवेंट को बनाता है क्राउड और इवेंट को बिगाड़ती भी क्राउड है. सो क्राउड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम लोग यू नो वी आर द एडेड फैक्टर्स. सो आई जस्ट फील द क्राउड इज वेरी एनर्जेटिक, दैट्स व्हाई वी आर एनर्जेटिक. बिग बॉस को मैं फॉलो करता हूँ थोड़ा थोड़ा थोड़ा. ओह, आई थॉट ही जस्ट स्पोक अबाउट इट. मैंने ऑलरेडी बात की. अच्छा, ओके, आपके लिए नहीं. आई थिंक बिग बॉस अच्छा चल रहा है, एंड आई थिंक बिग बॉस सलमान के आने के बाद तो इट्स ऑन अ स्काई. सो आई जस्ट फील दैट थोड़ी फिजिकलिटी कम हो जाए बिग बॉस में तो बेटर रहेगा, अदरवाइज द एंटरटेनमेंट इज गोइंग ऑन. शुक्ला, गेम प्लान कुछ नहीं होता बिग बॉस में. जैसे ही तुम प्लान करोगे बिग बॉस तुम्हारी वाट लगा देगा. इट इज नो प्लानिंग, दे आर मूविंग विद द फ्लो. अभी आपको एक टास्क देंगे, वो टास्क को आपको करना है, दैट्स इट. और उसमें जो होता है उसके बाद जो लड़ाई होती है, उसके बाद जो झगड़ा होता है, तो टास्क उनको कोई थोड़ी पता होता है क्या होता है. सो मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा बिग बॉस के लिए. आई थिंक 8 साल हो गए या 9 साल हो गए मुझे बिग बॉस से निकलते हुए. ऐसा कोई भी टाइम नहीं आया जहाँ पे एक इवेंट में मुझे पूछा नहीं गया हो या मेरे दोस्तों ने पूछा नहीं हो कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है या नहीं. सो बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है, नहीं है, जरूरत ही नहीं है. सो टॉप 3 आप किसको देख रहे हैं बिग बॉस? नहीं, मैं सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला, द रेस्ट आर व्हाटएवर हूएवर, डजंट मैटर. थैंक यू. या वेलकम. रेड कलर का चड्डी पहना है ना, मत करो, चढ़ता तो दिखता है. धर्मेश भाई शादी नहीं कर रहे हैं यार, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है. रो रो भाइयों बहनों, आप बताइए करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. वाह यार बच्चों, बहुत मजा आएगा. अभी थोड़ी देर में नीचे आएंगे, थोड़ा स्टॉल में केक बॉक्सिंग करेंगे, स्केटिंग करेंगे, खेलेंगे. अमेजिंग.
अच्छा एक चीज बहुत जरूरी मुझे तुम सबसे डिस्कस करनी है, एक ये चीज है कि यार देखो मैं अभी मैं तुम्हारे सामने आया हूँ, ठीक है, तुम्हारे पास हूँ, मेरे नाम से तुम्हें कोई भी कॉल करे या फेक कॉल आए तो मत समझना मैं हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा हो रहा है ऐसा, फेक कॉल आ रही है, बहुत सारे लोगों को कॉल हो रहे हैं, चीजें हो रही है, उसमें मत पढ़ना, हम अभी जिंदा हैं, ठीक है। क्या बात है यार, क्या मजेदार यार, शक्ति पूछ रहे शक्ति किधर है, दूध पियो शक्ति मिलेगी, खाना खाओ शक्ति मिलेगी, शक्ति किधर है, टाइम पे खाना खाया करो, पढ़ाई करो, शक्ति मिलेगी। यार ये क्या किया आपने, यार ये फुटबॉल, ऐसा कैसे, फुटबॉल में डांस फिर ट्विस्ट हो गया, अभी यहाँ पर लेकिन लोग आपको ट्विस्ट करते हुए थोड़ा सा देखना चाहते हैं ना, अब एक पैर पे जितना हो पाए उतना कर लूंगा, आपकी स्पेशलिटी है एक पैर पे करने की, एक पैर तो हवा में ही होता है, नीचे भी उतरता है ना वो। ओके क्या हम हमारे क्रॉक रॉक्स को देखना चाहते हैं एक बार, चलो व्हाट इज दिस, पीछे आओ ना थोड़ा, आई थिंक दिस इज क्राउड, मलाड मस्ती, तो चलिए लेट्स हैव लाइक अ स्मॉल लिटिल पीस ऑफ म्यूजिक, और सबको आपको हमारे साथ में यहाँ पर वीडियो छोड़ो यार, डांस करना है आपको हमारे साथ में, कम ऑन, चलिए मैं चाहता हूँ कि आज के संडे की सबसे ज्यादा तालियां चीयर बजे राघव के लिए, थैंक यू पाल, थैंक यू, वंडरफुल।